हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू टेक्स 24। मैं हूं सचिन भट्ट और हम इस वीडियो में बात करेंगे इस रीसेंट लॉन्च डिवाइस ज़ेनफोन मैक्स के बारे में। ये डिवाइस इसका प्रीवियस वर्जन जो था सेम नेम का ज़ेनफोन मैक्स, उसका सक्सेसर है एंड ये कुछ अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात करें, तो डिज़ाइन और लुक्स के हिसाब से अगर आपने इसका पिछला फ़ोन देखा होगा तो ये बिल्कुल ही पिछले फ़ोन जैसा है और बिल्कुल आप बट ये अब डिज़ाइन चार कलर में अवेलेबल होगा, वाइट, ब्लू एंड ऑरेंज। पहले आपको मेरे ख्याल से सिर्फ ब्लैक वेरिएंट मिलता था इसमें, बट अब आपको ये और भी कलर्स में अवेलेबल होगा। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो ये डिज़ाइन साइड से ये मेटल से बना हुआ है एंड अगर पीछे से देखें तो ये लेदर टाइप का फिनिश हमें महसूस होता है, बट ये एग्जैक्टली लेदर है नहीं। वैसे ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह इन्होंने यूज़ किया हुआ है, बट ग्रिप के हिसाब से देखें तो ये डिवाइस हाथों में काफ़ी अच्छा ग्रिप आपको होने में हेल्प करेगा। पीछे का कवर और यहाँ आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा विथ ऑल लेज़र ऑटो फोकस एंड ड्यूअल टोन LED फ्लैश। इसका LED फ्लैश काफ़ी ब्राइट है एंड फ्रंट में मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा। यहाँ आपको मिलेंगे 3 कैपेसिटिव टच बटन्स बैक करने के लिए होम एंड जो आपके मल्टीप्रोसेस्ड जो टास्क होंगे उनको काटने के लिए। सो चलिए हम अंदर देखते हैं इस डिवाइस के अंदर क्या मिलता है। अंदर के तो इस डिवाइस में लगा हुआ है 5000 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी जिसको आप निकाल नहीं सकते हो और ये एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। और यहाँ आप 2 SIM डाल सकते हो प्लस में 1 64 GB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। इसमें 64 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर लेगा ये डिवाइस। तो चलिए हम इसको पैक करते हैं एंड देखते हैं कि ये डिवाइस एक्जैक्टली डिवाइस में क्या आता है। अगर अंदर बात करें तो इसमें एक मिलेगा आपको LCD स्क्रीन, पर स्क्रीन काफ़ी ब्राइटर है, हमने ऑटोमेटिक पे कर रखा है तो हम आपको दिखाते हैं। ये डे लाइट में काफ़ी ब्राइट है एंड ये ऐसा नहीं है कि डे लाइट में बिल्कुल आपको स्क्रीन महसूस नहीं होने देगा, डे लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। रन करता है लेटेस्ट मार्शमेलो OS पे और साथ में ये जो इसका UI है वो खुद ही फुल्ली कस्टमाइज UI आता है ASUS जो इसको कस्टमाइज करता है एंड इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलेंगे हमें। इस OS का सबसे बढ़िया फीचर और कहें कि खासियत यही लगी है कि इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक आपको बाकी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सपीरियंस किए हुए हैं, खुद के UI एक्सपीरियंस किए हुए हैं, बट ASUS का UI हमें इनमें से सबसे बेस्ट लगा। और क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें न्यू फीचर्स ऑफर करता है, लाइक आप इसमें थीम चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर आइकन्स तक बदल सकते हैं, ऐप्स को लॉक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलेगा आइकन साइज चेंज करने के लिए आइकन अलाइनमेंट आप इनको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे, यहाँ तक स्क्रॉल इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं जो आप आगे पीछे इसको ये चेंज करते हैं। इन इफेक्ट तक में आपको कंट्रोल है, मेन्यू के आइटम्स को छोड़ मतलब आप बड़े कर सकते हैं, ज़्यादा है वो कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके सेटिंग में आपको क्या मिलता है। सेटिंग में मिलेगा आपको डिस्प्ले का ऑप्शन, साउंड नोटिफिकेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, ASUS कवर, अगर आपने ASUS कवर यूज़ कर रहे हैं तो आपके इसको मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें आपको कवर से रिलेटेड काफ़ी फीचर्स देगा ये। और बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh का बैटरी है जो कि ASUS दावा करता है कि ये आपको 7 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा, बट हम अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करें तो हाँ, आपको 3 दिन तक ये बैटरी आराम से चल जाएगी अगर आप एवरेज यूज़र हैं। अगर आप हैवी यूज़र हैं लाइक बहुत सारे गेम्स वगैरह हर चीज़ खेल रहे हैं तो ये 1.5 से 2 दिन बैटरी चल जाएगी, और तब भी अगर बात करें तो 1.5 से 2 दिन काफ़ी होता है क्योंकि आजकल के एंड्रॉयड डिवाइस में देखेंगे कि आप ये मुश्किल से 5-6 घंटे हैवी यूजेज में चल पाते हैं, बाकी ये फुस हो जाते हैं। तो ये आपको 15000 में डिवाइस मिल रहा है तो 5000 mAh की बैटरी के साथ ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा फील होता है अगर पावर मैनेजमेंट में आपको। और ये हम एक बात मतलब एक हद तक कहें कि ये इसलिए भी अच्छा परफॉर्मेंस देने में कायम हो पाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आप पावर मैनेजमेंट के आपको फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे जो ये एक वेल मैनेज्ड UI पे रन करता है जो कि आपके हर पावर को बताता है। लाइक अगर आपका कोई एप्लीकेशन खुला हो तो वो उसे भी सजेस्ट करेगा कि आप इसको बंद करिए, ये ज़्यादा फोर्स कर रहा है। आप इसमें बहुत सारे मैनेजिंग के काफ़ी सारे न्यू फीचर्स हैं, तो ये भी एक कारण है कि ये बहुत ज़्यादा बैटरी सेव करने में सक्षम है। इसमें स्टोरेज देखें तो इसमें मिलेगा आपको
32 GB का फ्री स्टोरेज, जिसमें से आपको मेरे ख्याल से 24 या 25 GB इसमें फ्री मिलेगा। और ये हमने 13.595 इसलिए अवेलेबल हो रहा है क्योंकि हमने काफ़ी सारे स्टोरेज यूज़ कर रखे हैं, इसमें और भी गेम्स वगैरह भरे हुए हैं। और इसमें एक और चीज़ हमें जो इसकी अच्छी एक इसमें हमें एक और इसकी अच्छी चीज़ जो लगी वो लगी, यहाँ पे आप जाके इसको वन हैंड में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपका हाथ छोटा है, ये डिवाइस काफ़ी बड़ा फील होता है अगर आपके हाथ में, तो आप एक हाथ से इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा है, यहाँ एक मिनट इस तरफ आप ले जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे सिंपल, आप फ्लैश लाइट जला सकते हैं, ऑटो स्टार्ट मैनेजर, कैलकुलेटर, मोबाइल डाटा एंड जो बाकी आपको एंड्रॉइड और डिवाइस में मिलते हैं वो आपको इसमें भी मिलेगा। और अगर हम इसकी कैमरे की बात करें, इसका कैमरा लेज़र ऑटो फोकस के साथ आता है और ये डिवाइस काफ़ी अच्छा कैमरा इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट यहाँ पे हमारे पे अभी कुछ मैनेजमेंट नहीं है कि फ़ोटो लेने की, तो हम आपको प्रीवियस फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि एग्जैक्टली इस डिवाइस में प्रीवियस फ़ोटोज़ में ये डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए ये हम बात करें ये हम सेल्फी की। सेल्फीज़ की हम थोड़ा सा भी अगर आपको सेक हो जाएगा तो ये आपको आपकी सेल्फी ब्लर कर देगा, बट ऑल ओवर इसकी सेल्फी की परफॉर्मेंस बढ़िया है। मतलब इतनी अच्छी नहीं है बट हाँ इतनी ख़राब भी नहीं है, सेल्फी अच्छी लेता है। और इसकी डे लाइट और ये कहें कि लो लाइट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जहाँ लो लाइट में ऑल अदर डिवाइसेस फेल हो जाते हैं वहाँ ये लो लाइट में काफ़ी ब्राइट इमेजेस खींच सकता है। ये हम देखते हैं कुछ रियर कैमरे इसके बैक कैमरे से, जो कि हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये इमेज फट तो रहा है, बट अगर आप देखेंगे हमने इमेज कितने डिस्टेंस से लिया हुआ है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इतना फटना लाजमी है। और ये डिवाइस रियर कैमरा भी इसका अच्छा है, हम बेस्ट नहीं कहेंगे बट हाँ 80% इसका कैमरा अच्छा है। और अदर सैंपल्स देखें तो इसमें और भी आपको कैमरे के फीचर्स मिलते हैं, लाइक इमेज क्वालिटी, टाइम स्लैप, सेल्फ टाइमर, फोकस मोड, मेटरिंग मोड, वीडियो में मिलता आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का, वीडियो परफॉर्मेंस आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड ऑल। तो ये तो होगा कैमरे का। और अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस स्नैपड्रैगन 615 के साथ आता है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर तो नहीं कह सकते बट यस काफ़ी हाई एंड और अच्छा प्रोसेसर है, जो कि आपको परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी मदद दे सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें एक गेम टेस्ट करके देखते हैं, असफॉल्ट 8। ये गेम हम हाई सेटिंग पर रन कर रहे हैं, और हाई सेटिंग मतलब कि ये मतलब सबसे अपने टॉप लेवल पर रन करेगी, तो हमें ये पता लग पाएगा कि ये हाई सेटिंग पे गेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म करेगा ये डिवाइस। तो हम इसको खेलेंगे, काफ़ी सारे एडवर्टिजमेंट भी रन होने लग गए आजकल तो असवाल्ट 8 में, जो हम पहले नहीं देखते थे इस गेम में। तो ये जैसे डिवाइस देख रहे हैं ये आम उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट चलिए देखेंगे कि हम ये आखिर में अंदर से ही परफॉर्मेंस परफॉर्म कैसा करेगा। इसको साउंड एवरेज है, हम ये कह सकते हैं कि डिवाइस का साउंड परफॉर्मेंस एवरेज है, ना ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो है। तो मैं एक अच्छा गेमर नहीं हूँ बट फिर भी कोशिश करूँगा कि गेम खेल पाऊँ इसको मैं। इसने तो रोक ही दिया मेरे को। अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
देख सकते हैं हमने लैग वगैरह कुछ महसूस नहीं किया इसमें। फिर से रोक दिया इसने तो, ये तो फिर दुश्मन हो गए ट्रक वाले। ओए तो चलिए ये तो नहीं था, बट इससे हमें ये पता लगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। और हम आपको ये भी दिखाना नहीं बोलेंगे कि ये डिवाइस गेम हम हाई सेटिंग्स में रन कर रहे थे, उसके जो हाई डिस्प्ले है, हाई सेटिंग्स है उसमें देखिए यहाँ पर ये गेम हम हाई में रन कर रहे थे, तो हाई में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हमसे कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में बताना ना भूले। अगर इस डिवाइस पर 100 लाइक्स मिलते हैं और इस रिव्यू पे हमारे 100 लाइक्स मिलते हैं तो हम आपके लिए न्यू या कहें कि एक सेपरेट हैवी गेम्स के लिए रिव्यू बनाएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें हमने कितने सारे न्यू हैवी गेम्स डाल रखे हैं, असॉल्ट 8, मॉर्टल कॉम्बैट, डेड ट्रिगर, और यहाँ पे मेरा फेवरेट, और यहाँ पे मेरा फेवरेट आप कहें असासिन क्रीड आइडेंटिटी जो कि अभी ही एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हुआ है। तो अगर आप इसको हमें थम्स अप देते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हम आपके लिए फुल पैक गेम रिव्यू लेके आएंगे। थैंक यू।